कासगंज के कस्बा अमापुर में सार्वजनिक स्थानों पर विधायक निधि से स्थापित आरओ वाटर कूलर खराब पड़े हैं। सर्विस न कराए जाने की वजह से आई खराबी का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। लाखों रुपए की लगाई आरओ मशीनें 100 पीस बनी हुई हैं, जिससे राहगीरों व्यापारियों आदि की प्यास नहीं बुझ पा रही है। यह वाटर कूलर पिछले 2 सालों से खराब पड़े हुए हैं। गर्मी के 3 महीने गुजर गए। कस्बे में हर रोज बड़ी संख्या में आसपास व गांव देहात से आने वाले लोग कस्बा में पानी की तलाश में भटकते हैं। बाजार में लगे वाटर कूलर को देखकर उम्मीद जगती है कि शायद प्यास बुझ जाए, मगर जब यहाँ पहुँचते हैं तो खुद प्यासे नजर आते हैं। कस्बा के कोतवाली के गेट कॉलेज रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास सहावर सिडपुरा तिराहा विकोरा रोड पर स्थित SN पब्लिक स्कूल के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास लगे विधायक निधि के खराब आरओ वाटर कूलर 100 पीस बने हुए हैं। वाटर कूलर खराब होने से ग्रामीणों व राहगीरों को उमस भरी भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बबलू यादव, क्या समस्या है? समस्या ये है कि गर्मी भयंकर पड़ रही है और ऐसी कंडीशन में जो राहगीर आने जाने वाले हैं उनके किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की जो विधायक निधि के अंतर्गत यहाँ पर नगर अमापुर में जो लगे हुए हैं हैंडपम्प और जल संसाधन, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनकी अभी तक किसी प्रकार की कोई भी देख रेख हो नहीं पा रही है, जिससे वो खराब पड़े हुए हैं। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से निवेदन करूँगा कि वो यहाँ की जन समस्याओं को देखते हुए जल संसाधनों को जल्द से जल्द ठीक कराने की कृपा करें। यही मेरा जनहित व्यापक में उनसे अनुरोध है और यही मूलभूत समस्या है जो राहगीरों के लिए पेयजल की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इस समय हमारे कस्बा उमापुर में जितने भी आर ओ के आगे विधायक जी ने जो लगवाए थे पानी पीने के लिए, सारे के सारे लगभग बंद पड़े हुए हैं। विशेष रूप से एक प्राइमरी स्कूल के सामने बच्चों के लिए लगवाया गया था, वो तो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। एक पुराने थाने के सामने था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। एक गुड़ मंडी से थोड़ा आगे था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। बस स्टैंड पर ही बंद पड़ा, लगभग सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, इस गर्मी में आदमी जब पानी के लिए परेशान है तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी उन्हें सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। और ये समस्या काफ़ी पुरानी हो गई है, काफ़ी समय से बंद पड़े हुए हैं। इसलिए शासन और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि उन्हें शीघ्र अति शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।